सबसे ज्यादा ग्लिसरीन किसने यूज किया है अब तक शोज में? आप सब टेलीविजन एक्टर है ना? अच्छा, तो रोने के लिए आपको ग्लिसरीन की जरूरत पड़ती है, मतलब जब आप परफॉर्म करती हैं। जब आप मेरे साथ जाएंगी ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना ग्लिसरीन के काम हो जाएगा, सो डोंट वरी। निया, किस चीज का फोबिया है? I don't have any phobias as such, but अगर मेरे सामने lizard आ गई तो मैं इस, I mean I'll just run away. मैं इस होटल से ही बाहर चली जाऊंगी if I see a lizard right now. Thank you very much for telling me I that. I know, वो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पहले बता दिया। गीता, आपको पता है आपका सबसे बड़ा competition कौन है? Yes, पता है सर। कौन है? एक तो सभी यस ऋत्विक, मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऋत्विक एंड मनु। यस गीता, आपका सबसे बड़ा कंपटीशन आप खुद हो और आपके लिए जो एक्सपेक्टेशंस होंगी। थैंक यू। कोई फॉर्मूला लेके आ रहे हो? सर आपके आगे कहां फॉर्मूला चलने वाले करण जी? सर यार, हर बार आपकी खिंचाई क्यों करते हैं लोग? ठीक है सर, पैसे मिलते हैं, इट्स ओके। लेकिन यहाँ ऐसा होगा नहीं। अगर मैं आपको छूट दे दूं, मैं वैसे मुझे पता चला है जब मैं इन पे रिसर्च कर रहा था कि करण स्पेन के लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, इसने 45 बार देखी है। सर देखी थी और उसके बाद वीजा भी कैंसिल हो गया था मेरा तो स्पेन का व्हिच इज ट्रू। तो इस बार वीजा के चक्कर में आ रहे हो या शो करने आ रहे हो? सर अगर मुफ्त में, मतलब स्पेन में 45 दिन की हॉलीडे हो रही है और अगर कीड़े मकोड़ों को ऊपर अपने रखना है तो ठीक है, जायज है उतना। तो इनको लग रहा है कि ये हॉलिडे के लिए जा रहे हैं। गीता, आपको पता है 3 सीजन हो चुके हैं खतरों के खिलाड़ी के और अब तक एक भी लड़की विनर नहीं रही है। अब की बार बारी है ना लड़की की। करण, एक अगर मौका दूं, मैंने हर बार देखा हर कोई आपकी खिंचाई करते रहता है, मैं आपको मौका दे दूं कि आप आज चाहो जिसकी खिंचाई कर सकते हो तो किसकी करोगे? सर खुद की करूंगा सर, जब उसमें पैसे मिलते हैं सर, वो बढ़िया है सर। अपना सर क्या है ना, मेरा फंडा सिंपल है एक लाइफ का कि आई टेक माय वर्क सीरियसली, आई डोंट टेक माय सेल्फ सीरियसली, सो आई एम हैप्पी विद इट, इट्स ओके। किसी की खिंचाई नहीं करना सर। है ना हमारे यहाँ पे इस इंडस्ट्री का एक हंगल रियलिटी शो का, ऋत्विक धनजानी, मेरे को पता ही था। इसके बाद सर आपको पता है रियलिटी शो ही नहीं बचे हैं, पहले चैनल इनकी डेट लेता है फिर रियलिटी शो बनाता है। वैसे मैं आपको भाई के बारे में दो बातें बताता हूँ। इसका वीजा क्यों कैंसिल हुआ स्पेन में? स्पेन में इसने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी, सांड के आगे लोग भाग रहे थे, स्पेन वालों ने मना किया हम सांड के आगे गधों को नहीं भगाएंगे। Yes. बाकी एक छुपा रुस्तम है यहाँ पे, आप लोगों को पता है, शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई एक ऐसा बंदा है जो मेरे शो पे आ चुका है। खुद बोलोगे? तुम्हारी बात कर रहा हूँ ऋत्विक। अच्छा। ये केप टाउन में आ चुका है जब मैं शो कर रहा था। आगे की कहानी आप ही बता दो। आगे की कहानी दरअसल ये थी कि दो सीजन पहले हमारी जो बेटर हाफ है आशा नेगी, वो इस सीजन, आशा नेगी पे ताली बजनी चाहिए, आशा नेगी, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। बट सो वो उस सीजन में पार्टिसिपेट कर रही थी और मैं उस वक्त साउथ अफ्रीका में किसी काम की वजह से था, तो आई थिंक वो मेरा थोड़ा सा समय निकाल के मैं गया था और इन सब से मिला था और उनकी हालत देखने की। एक्चुअली वो बहुत क्रूशल दिन था उस दिन आशा के लिए भी, वो एक स्टंट था जो बहुत ही मुश्किल था और आई थिंक किसी से हो नहीं पा रहा था, एंड आई थिंक आप लोग बहुत क्रूशियल दिन था मेरा आने का, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो मैं आ चुका हूँ, सो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। आशा ने कोई टिप दिया? एक्चुअली यस, उसने बताया है, एंड आई थिंक ये हर किसी के लिए जायज़ होता है। उसने एक ही बात कही, आई थिंक विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, कि खतरों के खिलाड़ी इज नॉट अबाउट योर फिजिकल स्ट्रेंथ, और ये बात सच है क्योंकि आशा ऑलमोस्ट फिनाले तक पहुंची थी और वो खुद मानती है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट जीरो, इट्स ऑल अबाउट हाउ मेंटली स्ट्रांग यू आर। तो आई थिंक ये उसने मुझे डेफिनेटली बताया, सो आई इस बात पे अमल करूंगा। इट्स अबाउट विल पावर, इट्स अबाउट विल पावर, यस। बट सर मजा आएगा ना अगर ये पहले बाहर हो गया तो घर पे जाके आशा इसकी क्या बैंड बजाएगी ना, कि वो कहेगी मैं फिनाले तक गई और तू देख कहां तक आ गया। चलो स्टंट का पता नहीं, मुझे 3-4 कॉमेडियंस मिल गए तो एक चीज की गारंटी है, कॉमेडी सॉलिड होगी शो में। ये हुई ना बात। अब ये लोग स्टंट करते हैं कि नहीं पता नहीं, लड़कियां कर जाएंगी, मुझे बाकी मिल गए सब।
जो एंटरटेन करेंगे. सर इन्हें टैलेंट पे भरोसा है, हमें अपने कंटेंट पे. लोपा, मैंने आपको बिग बॉस में देखा जी, आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो. हाँ मैं हूँ. आपको हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब जब आप हारती थी तो आप क्या क्या नहीं किया मैंने देखा है. तो यहाँ पर ना बर्तन है तोड़ने के लिए, ना कोई बेवकूफ इंसान है जिसपे आप चिल्ला सकती हो. बहुत सटल था सर वो. तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन है कॉम्पिटिशन आपके लिए? मैं लड़की या लड़का नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्टंट में मेरे हिसाब से लड़का या लड़की नहीं होता, विल पावर होता है. कई बार ऐसा होता है जो अच्छे अच्छे लड़के या पहलवान या टफ बॉयज विद सिक्स पैक नहीं कर पाते, वो लड़कियां कर जाती है. तो मेरे लिए वो भेदभाव है नहीं. तो आप इन सब में आपको कौन लगता है कि कंपटीशन? सर जैसे आपने खुद ने कहा कि आपका कंपटीशन आप अपने आप है, मेरा फियर सबसे बड़ा कंपटीशन है जिसे मैं पीछे छोड़ के आगे जाना चाहती हूँ. किस चीज़ से फियर है आपको? अब मैं बता दूंगी, आप मुझे पहला टास्क वही दे दोगे. वो तो मैं इनको बताने के लिए मेरे पास बायोडाटा है. Well, I'm scared of water. I've always been scared of water. पता नहीं था मुझे. थैंक यू वेरी मच. आपको किस चीज का डर लगता है? आप लोग को ले जा रहा हूँ. पता नहीं मेरे शो का क्या होगा. मनवीर, एक कॉमनर बन के आए. यस. बिग बॉस में जी. स्टार बन गए जी. अब क्या यहाँ से किस बात का सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है? सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो सर आपके साथ काम करने का है. मेरा फोबिया ऐसे कुछ है नहीं वैसे, थोड़ा बहुत फायर से है. लेकिन आपको 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 टीवी पे देखा है, आप जिस हिसाब से एक्शन कराते हो ना, अब लग रहा है कि जो बंदा इतना प्रैक्टिकल एक्शन में है वो क्या क्या नहीं घुमा देगा. तो सर मेरा फोबिया तो आप ही हो, पता नहीं कैसे किसको कहाँ पहुँचा दो. देखो एक 5 मिनट का ट्रेलर है. तो आप लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है सोच लो. अगर मैं खुद को ऐसा कर सकता हूँ तो तुम लोग के साथ क्या करूँगा. आपका क्या है फियर या सबसे बड़ा स्टंट आपने क्या किया अब तक? मैंने सर बचपन में क्रिकेट फुटबॉल भी नहीं खेला. सो फॉर मी दिस स्पेस इज समथिंग दैट मैं मतलब लाइफ हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ गिवन इट गिव्स एवरीबॉडी अ लॉट ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस. आई हैव ऑलवेज रन अवे फ्रॉम फिजिकल चैलेंजेस. तो मैं अपने आप का एक बेटर वर्जन बनना चाहता हूँ और ये मौका था. आई वॉज वेरी स्केयर ऑफ टेकिंग दिस अप बट आई हैव टेकन दिस अप. सो फियर फैक्टर में पहला फियर आई हैव ओवरकम. अब बाकी चीज़ें वहाँ जाके ही पता चलेगी. और अब तक कोई भी ऐसा स्टंट जी नहीं अपने लाइफ में? जरा भी नहीं. झूठ बोल रहे हो, शादीशुदा हो? नहीं, वो कोई स्टंट नहीं है. दैट्स द इजीएस्ट, दैट्स द इजीएस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, यू नो, दैट्स व्हाट मेक्स इट ऑल इजी. ओके शांतनु, थैंक यू. वहां पर एक जज था जो बहुत क्यूट क्यूट बोलता था, यहाँ पर एक भयानक आदमी सामने खड़ा है. क्या बोलोगे मम्मी को जाके घर पे? उनको पता है कि आप वापस आ गए हो. मतलब उनको पता है कि मैं भयानक हूँ? आपने खुद बोला, मैंने कुछ नहीं बोला. अच्छा एक बात बताओ, जब आप डांस शो करते हो, रियलिटी डांस शो, तो रिहर्सल करने का मौका मिलता है. यहाँ पे तो मैं आऊँगा, सुबह उठा के ले जाऊँगा और एक स्टंट के सामने खड़ा कर दूंगा. क्या करोगे? कोशिश करेंगे करने की विदाउट एनी रिहर्सल, और या फिर सोच करके एक. अच्छा बड़ा ऑड लग रहा है ना कि मैं आऊंगा सुबह उठा के ले जाऊंगा. क्या करोगे? कोशिश करूंगा करने की. साउंडिंग वेरी ऑड. हाँ मैं स्टंट की बात कर रहा हूँ. मैं भी स्टंट की बात कर रहा हूँ. अच्छा ये जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा दो लड़कियां और हैं, सुचित्रा और मोनिका, जो इस वक्त यहाँ नहीं है, जो हमें वहाँ सीधा स्पेन में ज्वाइन करेंगी. शाइनी आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, आपने कभी स्टंट किया है? जैसे स्टंट्स फियर फैक्टर में होते वैसे तो नहीं किए, पर बचपन में भैया के साथ बड़े स्टंट्स किए थे. मतलब राखी बंधवाई? साइकिल. हाँ. नहीं, साइकिल चलाना मैंने उससे सीखा था. तो मेरे भैया बड़ी मस्ती करते रहते थे, मतलब उनको पसंद था कि मैं गिरूं पड़ूं, एंड देन ही यूज्ड टू लाफ ऑन मी. जो भाई बहन की नोकझोंक होती है, तो उसने मुझे सिखाया था कि कैसे साइकिल को स्पीड अप करना है और देन फ्रंट ब्रेक मार के एंड पीछे का टायर ऊपर करना है. ओह, स्टॉप ही बोलते हैं उसको. या सो मैंने बहुत कोशिश की पर मुझसे कभी नहीं हुआ. ओके थैंक यू, वेरी गुड. ओके अच्छा ये यहाँ पे जो बाकी भैयाज हैं जो आपके साथ हैं अभी, जितने बॉयज आप देख रहे हैं भैया, अच्छा जितने बॉयज, आपको कौन लगता है कि सबसे ज्यादा टफ कौन है इनमें से? आई थिंक सारे ही बॉयज टफ है. रवि के साथ मैं काम कर चुकी हूँ तो मुझे, मैं रवि को बहुत अच्छे से जानती हूँ. ऋत्विक को थोड़ा बहुत रवि के थ्रू जानती हूँ. नहीं ये तो डिप्लोमेटिक आंसर होगा कि मैं रवि के साथ काम कर रही हूँ, रवि टफ है. नहीं ऐसा नहीं है, बट एक एक इंसान एक एक
मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है रवि. लो पहले ही प्रेशर बढ़ा दिया रवि पे. नहीं, मेंटली वो बहुत स्ट्रांग है. ऋतिक क्या लगता है? नो आई सेकंड दैट. आई थिंक रवि मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा. अच्छा, अगर कंपटीशन होगा जैसे रवि, करण एंड यू. जी सर. तो क्या करोगे, कंपटीशन पे ज्यादा ध्यान दोगे या दोस्ती पर? सर मैं आपको सच बात बताऊंगा एंड इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं है. आई थिंक हम तीनों की दोस्ती, हम एक दूसरे, अभी ये कुछ ना कुछ बकवास बोलेगा. मैं सच दिल से बात बोल रहा हूँ, प्लीज बकवास ना करियो. माइक उठा लिया उसने. मैं जेन्युइनली जानता हूँ, मैं दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ. आई नो देम फॉर मोर देन 5 years नाउ. सो आई थिंक जब कोई स्टंट आएगा, मैंने एक चीज जो आशा वाला सीजन था उससे सीखी है, इज टू मोटिवेट योर पीयर्स एंड मोटिवेट योर फ्रेंड्स. एंड आई थिंक दैट्स हाउ वो सीजन इतना ब्यूटीफुल और इतना आज भी याद किया जाता है. तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली यू नो हेल्प माय फ्रेंड्स थ्रू द स्टंट. कुछ मत बोलियो. ताली बजाओ यार ऋत्विक के लिए. वेरी गुड थिंग ऋत्विक सर. करण आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ऋत्विक? सर नहीं, मेरा जेन्युइनली आई थिंक मैं ऋत्विक को एक्चुअली कलर्स के थ्रू ही मिला था. एग्जैक्टली, कलर्स की वजह से मैं और वाही एक दूसरे को जानते हैं. 2012 में हमने झलक दिखलाया जा साथ में किया था, तो तब से आई थिंक तब से हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा, मतलब हमारे दिल मिल गए थे. ऐसा लग रहा है कि तू प्रेशर में बोल रहा है. नहीं नहीं सर, मैं सच सर, है? मैं सच बोल रहा हूँ सर, क्योंकि जहाँ दिल मिल के आता है वहाँ पे वही होता है, इसीलिए. वो सच बात है. आई एम द प्लस वन इन एवरी कपल सर. बट जेन्युइनली आई थिंक रवि, मैं, ऋत्विक या कोई भी, आई थिंक जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, आई थिंक वेर ऑल फ्रेंड्स, वेर ऑल यू नो, हम जिंदगी में आगे बहुत काम करेंगे, बट वहाँ पे जब टास्क होगा टास्क करेंगे, उसके अलावा मस्ती मजाक करेंगे. So, Ritvik, करन का सोचना बिल्कुल अलग है कि you're getting emotional, वो बोल रहे हैं कि मैं तो स्टंट करूंगा. हाँ सर, करने तो ना उसको स्टंट, मैं धक्का मार दूंगा पीछे से. ये दोस्ती इनकी. सिर्फ EMI तेरी नहीं है, समझे? नहीं, बट सर आई थिंक ऑन अ वेरी जेन्युइन नोट, ही इज वेरी कंपेरेटिव एंड सो एम आई एंड आई एम श्योर इवन रवि इज. मैंने रवि और ऋत्विक को एक रियलिटी शो पे देखा है एंड दे आर वेरी वेरी कंपेरेटिव पीपल एंड दैट्स द वे अ शो शुड बी.